अयोध्या धाम के पीछे अंबिकापुर एक्सटेंशन में मां कालिका का मंदिर है। उसके पुजारी स्वामी वेद प्रकाश आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई थी। वेद प्रकाश सात्विक, सहज, सरल, भले इंसान थे, जिसकी पुष्टि मंदिर में नियमित जाने वाले बुजुर्गों महिलाओं से की जा सकती है। किंतु हत्या के बाद स्वामी पर फर्जी, झूठे, गंदे आरोप लगाए गए और एक ट्रस्टी ने कंप्यूटर बाबा को मंदिर सौंप दिया। यह रहस्यमय है कि स्वामी की मौत के बाद कंप्यूटर बाबा ने इस मंदिर पर कैसे कब्जा जमा लिया। अब पुलिस प्रशासन को इस मामले की भी जांच करनी चाहिए। आज अंबिकापुरी के मंदिर को कब्जे में लेने की कार्यवाही के दौरान वहां निर्मित कमरे में बाबा के बैठने की सिंहासन नुमा कुर्सी तो मिली ही, वहीं अलमारी से सावेश क्षेत्र की अजनोद की एक सवाती यानी लगभग 8 एकड़ जमीन की ओरिजिनल रजिस्ट्री भी मिली है। ये जमीन कंप्यूटर बाबा ने अपने नाम से खरीदी। विक्रय पत्र में 11 साल पहले खरीदी जमीन की कीमत तत्कालीन गाइडलाइन के मुताबिक 10 लाख दर्शाई गई है, जिसकी वर्तमान में कीमत 4 से 5 करोड़ से कम नहीं होगी। अब इस रजिस्ट्री की भी जांच कलेक्टर करवा रहे हैं कि जमीन बाबा ने कैसे खरीदी और वर्तमान में जमीन का इस्तेमाल क्या हो रहा है। कमरे बने हुए थे, इसमें हमने जांच के दौरान एक रजिस्ट्री भी जब्त हुई है, जिसमें शंकर पिता रामकिशन हाथी ने इनको जमीन बेचना बताया जा रहा है। और इसमें जो क्रेता है वो श्री नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा, ये रिकॉर्ड आपके सामने ही है। इसमें 3 हेक्टेयर जमीन इन्होंने आजनोद तहसील सावेर में क्रय की है। वरिष्ठ अधिकारी को मैंने अवगत करा दिया है। इसमें देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इस जहाँ पर मंदिर है, पवित्र स्थान है, इसका उपयोग जमीन की खरीद फरोख के लिए किया जा रहा था और नामदेव दास त्यागी के नाम से खुद ये रजिस्ट्री है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और यहाँ पर ये भी देखने की बात है कि यहाँ पर यूनियन बैंक के खाता की एक फोटोकॉपी भी मिली है, गांधीनगर यूनियन बैंक, ये नामदेव दास त्यागी के नाम पर बैंक खाता है। हमने वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराया, कलेक्टर महोदय ने LDM को और यूनियन बैंक को निर्देश दे दिए कि उनके खाते के ट्रांजैक्शन के संबंध में संपूर्ण जानकारी निकाले। उन निर्देशों के तारतम्य में हम आगे आगामी जानकारी बैंक से प्राप्त करके जो भी कार्रवाई होगी संपादित करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं सर? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये श्री दक्षिण कालीपीठ श्री महाविद्या मंदिर है, क्योंकि इसमें जो रहवासी संघ है उनका ये कहना है कि ये जो कमरे बने हुए हैं इनका रहवासी संघ के रूप में उपयोग हो सकता है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हम किसी स्ट्रक्चर को अनावश्यक रूप से हटाएं। इसमें रहवासी संघ और नगर निगम के माध्यम से कलेक्टर महोदय ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि यदि रहवासी संघ इसको संधारित कर सकता है तो उन ये जो कमरे हैं उनका आधिपत्य रहवासी संघ को भी हम देने की विचार कर रहे हैं।